हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन कम्पिटेटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस एलटी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एंड दोस्तों, यह सीरीज नंबर 100 है। एंड इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज दिए जा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए। प्रबलता यानी कि इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी होनी चाहिए गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए। जैसे कि दोस्तों, किसी भी प्रशिक्षण भार के लिए, प्रशिक्षण के लिए दो चीज आवश्यक होती है, एक इंटेंसिटी एक वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का मतलब कि कार्य को कितना समय तक किया जा रहा है, इंटेंसिटी यानी कि कार्य को कितना स्पीड से किया जा रहा है। यानी कि किसी भी क्रिया का जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा यानी कार्य जितने ज्यादा समय तक किया जाएगा उसमें इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतना ही कम होगा, यानी उतना वो धीरे धीरे किया जाएगा। और जिस कार्य की वॉल्यूम जितना ही कम होगा यानी कि जितने कम समय की क्रिया होगी उसमें इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आप 100 मीटर की दौड़ को दौड़ रहे हैं, वो छोटे समय की क्रिया है, उसमें वॉल्यूम कम है तो उसमें स्पीड आप पूरा लगा देते हैं, जितना आपके पास क्षमता होता है पूरा क्षमता लगा देते हैं, यानी 90 से 100% आपका इंटेंसिटी यानी तीव्रता होता है। वही आप 1500-3000 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ दौड़ रहे हैं, तो उसमें आप पूरा इंटेंसिटी पहले ही लगा देंगे तो आगे दौड़ नहीं पाएंगे। उसमें आपको एक बैलेंस करके चलना होता है, यानी अपनी तीव्रता को कम करके चलना होता है। तो यानी कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा तीव्रता उतना कम होगा, वॉल्यूम जितना कम होगा तीव्रता उतना यानी इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा, यानी दोनों में विपरीत संबंध है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए, गतिवर्धन यानी स्पीड वाले, तो कितनी प्रबलता होना चाहिए, इंटेंसिटी 75 से 100% तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बल ट्रेनिंग यानी कि भार प्रशिक्षण की प्रतिरोधक मात्रा अधिकतम भार उठाने का 30 से 50% तक है, भार उठाने का यानी कि जो उसकी कार्य करने की समय है या भार उठाने का 30 से 50% है तक है, तो उसकी जोन की प्रबलता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयास यानी बल और टेक यानी कि एक्सिस के बीच प्रतिरोध वाले लीवर किस किस्म के लीवर में आते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहां क्या कह रहा है, बीच में क्या है, प्रतिरोध है। 3-4 वीडियो में मैं अच्छे से उत्तोलक यानी लीवर को बता चुकी हूं। यहां में बीच में प्रतिरोध कर रहा है, FAR यानी 312, ठीक है, यानी R के नीचे क्या है, 2 है, यानी दूसरे प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस बीच में होता है, ठीक है, किसके बल और फोर्स और एक्सिस के बीच में रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे द्वितीय श्रेणी के लीवर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। वहीं पे प्रथम प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में होगा, ए के नीचे 1 है यानी कि प्रथम प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में होगा, और एफ के नीचे 3 है यानी कि तृतीय प्रकार के लीवर में फोर्स बीच में होगा। यानी कि दोस्तों, द्वितीय प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होगा, ठीक है, यानी जब एक व्यक्ति अपने पंजों पर खड़ा होता है तो पैर की लंबाई उत्तोलक की बाजू होती है, पैर की बाल धुरी के रूप में कार्य करता है और एचिलिस टेंडन तथा उपपिंडलियां शक्ति प्रदान करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक फिटनेस की यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों से सफलता के साथ पार करने की क्षमता है। इस परिभाषा को किसने दिया है, तो डेविड आर लैब ने दिया है। किसने दिया है, डेविड आर लैब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती हैं। दोस्तों, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां होती कहाँ है, आपको ये जानना है। ये हमारे पेट में जो सीधी मांसपेशी होती है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती है। एब्डोमिनस मतलब पेट होता है, तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स जो है घूमती है कहाँ पे दोस्तों, नौली क्रिया में। जब हम नौली क्रिया दाएं और बाएं नौली करते हैं उसमें वही रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स घूमती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैसे कि दोस्तों,
शुद्धि क्रियाएं जो होती है, छह प्रकार की षटकर्म होती है। षटकर्म या शुद्धि क्रियाएं, नेति, दोति, नौली, बस्ति, कपाल भाति, त्राटक, ये छह शुद्धि क्रियाएं होती है। इसमें से नेति जो होता है वो नासिका द्वार को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए क्रिया है। इसमें जल नेति और सूत्र नेति शामिल होता है। और दोति जो होता है यह स्वच्छ क्रिया की क्रमवार है। मुंह से गुहा तक पूरी अमाशय यानी स्टोमक तक नली को साफ करती है। और नौली जो होती है वो उदर के अंगों की मालिश करके मजबूत बनाते हैं, जिसमें दायां और बायां नौली शामिल होता है, जिसमें रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स घूमती हैं। ठीक है, बस्ति, बस्ति क्या होता है, हमारे बड़ी आंत को धोनी व मजबूत बनाने की काम करता है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कपाल भाति, मस्तिष्क के अग्रभाग को पवित्र करने की सांस लेने की क्रिया है कपाल भाति। नेक्स्ट है त्राटक, यानी एक बिंदु या वस्तु पर लगातार देखने का व्यायाम, जिसे केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है त्राटक से। ये छह क्रियाएं षटकर्म या शुद्धि क्रिया होती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुद्धिकरण की वह अवस्था जिसके कारण 98 से 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं, वह क्या कहलाता है, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में निम्न चिकित्सकों में से कौन नवजात शिशुओं का एक स्वस्थ जीवन में सफल प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उनकी देखभाल करता है, तो कौन करता है, नियोटेनोलॉजिस्ट। ठीक है, नियोटेनोलॉजिस्ट जो होता है वह नवजात शिशुओं के एक स्वस्थ जीवन में सफल प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उनकी देखभाल करता है, नियोटेनोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घीकरण लेंथेनिंग के समय पेशी बल लगता है, यह संचलन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, उत्केंद्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ दीर्घीकरण यानी कि हमारा एक्सटेंशन की बात कर रहा है, ठीक है, एल्बो एक्सटेंशन की बात कर रहा है, यानी कि दोस्तों जैसे कि आइसोटोनिक जो क्रिया होती है, जो हमारा स्ट्रेंथ दो प्रकार का होता है, स्टेटिक एंड डायनामिक। डायनामिक जो स्ट्रेंथ बढ़ाने की डेवलप करने की विधि होती है वो आइसोटोनिक होती है। आइसोटोनिक जो होता है उसमें क्या होता है, आइसोटोनिक यानी सेम तनाव, यानी इसमें लंबाई पेशियों की बढ़ती और घटती दोनों है, और लंबाई बढ़ने को यानी कि विस्तार होने को इंसेंट्रिक कहते हैं, और लंबाई घटने को यानी एल्बो फ्लेक्शन को कंसेंट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे दीर्घीकरण पूछा है यानी कि लंबाई बढ़ रही है, तो यहाँ पे कंसेंट्रिक इसेंट्रिक होगा यानी उत्केंद्री। यहाँ में हिंदी भी दिया है, आप इंग्लिश वर्जन को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, वर्गीकृत व्यवस्था पर। ठीक है, वर्गीकृत व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के पठार का कारण नहीं होता है, तो दोस्तों जब आप कोई कार्य करते हैं एकदम करते करते बहुत समय हो गया, या उसमें निरस्ता होने लगी, विमनस्तकता होने लगी, थकावट होने लगी, तो आप उस समय आपकी सीखने की क्रिया रुक जाती है, उसी को सीखने में पठार कहते हैं। तो यहाँ पे निरस्ता, विमनस्कता, थकावट, ये आपके सीखने की क्रिया के पठार का कारण है, बट क्रियात्मक सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों सीखते सीखते एक ऐसी क्रिया आती है जब आपकी सीखने की क्रिया कुछ समय के लिए रुक जाती है, और वह जो रेखा होता है वो ऊपर नीचे ना जाकर के सीधे सपाट सीधा जाता है, वो आपका सीखने के पठार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की गति की एक सीमा होती है, ठीक, एक सीमा होती है जिसके बाद में सुधार करना असंभव है, तकनीकी रूप से इस अवस्था को कहते हैं, तो इस अवस्था को प्लेटू कहते हैं। ठीक है, प्लेटू कहते हैं या सीखने का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता, और इस प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है, यह किसकी व्याख्या है, तो यह व्याख्या है ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत। ठीक है, ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिविधि के एक चक्र का अंत अगले की शुरुआत है, और एक चक्र की तरह कौशल दोहराया जाता है, यह किसके रूप में जाना जाता है, यह सतत कौशल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक चक्र
अंत करने की शुरुआत है और एक चक्र की तरह कौशल दोहराया जाता है, यानी बार बार, तो यह सतत कौशल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कंटिन्यूअस स्किल है। ठीक है, एक साइकिल की तरह चलता रहता है, दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, ये सही है। उभयनिल कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन महिला से संबंधित है, ये सही है। रंगास्वामी कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है, ये भी सही है। बट यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, या हॉकी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसे कि दोस्तों नेहरू ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है, नेहरू गोल्ड कप या नेहरू कप या फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू कप या क्रिकेट से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखना है। नेहरू ट्रॉफी है तो हॉकी, नेहरू कप और नेहरू गोल्ड कप है तो फुटबॉल, और जवाहरलाल नेहरू कप है तो क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के लक्षण बताता है? जैसे कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती है लेकिन अधिक बीमार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सा रोग की रोकथाम के स्तर को चिन्हित करता है जो तृतीयक रोकथाम के रूप में जाना जाता है? तो तृतीयक रोकथाम के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, ओवर्ट क्लिनिकल रोग होने के बाद रोग के बढ़ने और रोग से पैदा होने वाली अतिरिक्त समस्याओं की जो रोकथाम है वही तृतीयक रोकथाम के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक उपचार में तो आप तुरंत जो क्रिया करेंगे घर पे वो प्राथमिक उपचार हुआ, एंड क्लिनिकल जांच कराएंगे वो द्वितीयक उपचार हुआ, एंड अतिरिक्त समस्याओं का रोकथाम करेंगे जो अतिरिक्त समस्या पैदा होगी वो आपका तृतीयक रोकथाम हो गया। नेक्स्ट है, वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी जीता है? तो दोस्तों गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है अभी तक में 22 बार सबसे ज्यादा माका ट्रॉफी यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी किसको दी जाती है? तो यह दोस्तों वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। जैसा कि दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्य स्मृति में 1956-57 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी शुरू की गई थी और प्रतिवर्ष यह वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। और दोस्तों इसमें प्रथम स्थान आने वाले विश्वविद्यालय को 15 लाख रुपए, पहले 10 लाख दिया जाता था अब 15 लाख दिया जाता है, और द्वितीय स्थान पर आने वाले को 7.5 लाख और तृतीय स्थान पर आने वाले को 4.5 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति संहिता को किस रूप में जाना जाता है? तो नीति संहिता को व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड दोस्तों नीति संहिता किसी व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में जाना जाता है। शिक्षा व्यवसाय में नीति संहिता के अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से? विद्यार्थी के प्रति प्रतिबद्धता और व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता। शिक्षक को समाज के एक योग्य तथा प्रभावी व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता का एहसास करते हुए प्रत्येक छात्र की मदद करने का प्रयास करना चाहिए, और शिक्षा व्यवसाय में जनता के विश्वास तथा जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पेशेवर के सर्वोच्च आदर्शों का निहित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहली कक्षा का शिक्षक छात्रों को ढोल की आवाज पर मार्च करवा रहा है, निम्न में से कौन सा निर्देश स्थानिक जागरूकता और संबंध जागरूकता के गति अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अपने सामने के व्यक्ति के पीछे पीछे चलना लेकिन आपके बीच एक आरामदायक दूरी रखना, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंधन निश्चित करता है, क्या निश्चित करता है? वह प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य को बढ़ाना निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। जैसे कि दोस्तों वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंध प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य बढ़ाना निश्चित करता है,
टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता माना जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे माना जाता है? टेलर को, क्योंकि प्रबंधन संबंधी समस्त समस्याओं को सुलझाने तथा कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाक्त अधिक मात्रा होने के कारण होने वाले मौतों के लिए कौन सा पदार्थ कोई भी अन्य पदार्थ से ज्यादा जिम्मेदार है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है शराब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों को सही मिलान करना है आपको। यहां पे ए है मध्य गली खोखो, तो मध्य गली खोखो जो होता है वो कितना चौड़ा होता है? 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ए का हो जाएगा 2, ठीक है। एंड गोल्ड लाइन हॉकी जो होता है वो 75 mm यानी 7.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। एंड साइड लाइन फुटबॉल जो है 5 इंच यानी 12.5 सेंटीमीटर होता है, ये हो जाएगा सी का 4। एंड रनवे आर्च जेवलिन का जो होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो डी का सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सीरीज। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। एंड दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे सभी वीडियोज टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।